हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15% बैंक अकाउंटों पर मोराटोरियम लिया गया है लॉकडाउन के दौरान, और अभी भी ऐसे कुछ कस्टमर या ऐसे कुछ बोरोवर्स हैं जो जानबूझकर लोन ईएमआई मोराटोरियम टाइम ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि जब मोराटोरियम टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा तो उनके बैंक लोन और ईएमआई का क्या होगा। लोन ईएमआई मोराटोरियम के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। और दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत बड़ा अपडेट दिया था कि मोराटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो चक्रवृद्धि इंटरेस्ट है लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इधर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है मोराटोरियम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इधर से भी देख लीजिए। आज एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि जब मोराटोरियम पीरियड फिनिश हो जाएगा तो बैंकों के जो लोन ईएमआई है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में घर बैठे म्यूचुअल फंड अकाउंट की केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। अगर आपका भी कोई बैंक में लोन है ईएमआई और आपने उसके ऊपर मोराटोरियम ले रखा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोराटोरियम पीरियड फिनिश होने के बाद उसका कितना इंपैक्ट आपके लोन के ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले इधर आप लोग देख लीजिए कि बैंकों ने और आरबीआई ने क्लियर कर दिया कि अगर आप मोराटोरियम को लेते हैं तो जो सिंपल इंटरेस्ट चार्जेज है उसके ऊपर रहेगा, यानी जो बैंक अकाउंट का अभी आपने लोन ले रखा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चल रहा है वही सेम इंटरेस्ट मोराटोरियम के ऊपर रहेगा। और मोराटोरियम के समय में जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसको जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा मोराटोरियम फिनिश होने के बाद। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। यानी अगर आपने 1,00,000 रुपए का लोन ले रखा है और जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है अगर अभी 12% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और अगर आप 6 महीने का मोराटोरियम टाइम है वो लेते हैं, तो जो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 6,000 रुपए कैलकुलेट होता है। तो जैसे ही मोराटोरियम पीरियड जो है फिनिश होगा तो आपका जो अमाउंट है वो 1,00,000 की जगह 1,06,000 रुपए हो जाएगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि पहले जो अमाउंट आपने लोन ले रखी थी वो 1,00,000 रुपए थी, अभी मोराटोरियम अडॉप्ट करने के बाद उसके ऊपर जो अमाउंट है 6,000 जो ब्याज की है वो ऐड हो जाएगी, और उसी के ऊपर है जो नेक्स्ट आपका ब्याज है जो ईएमआई आगे चलेगी। बैंकों ने मोराटोरियम और ईएमआई से रिलेटेड अपने दो ऑप्शन रिलीज किए हैं कि जैसे अगर आपने मोराटोरियम अडॉप्ट किया है तो अगर आप अपनी जो लोन की ईएमआई है अगर आप पहले वाली सेम ईएमआई रखना चाहते हैं तो आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। मान के चलिए अगर आपने लोन 5 साल का ले रखा है तो आपकी किस्त यहां पर लगभग 8 किस्त है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते कि आपका टाइम न बढ़े तो बैंकों ने यह भी ऑप्शन दिया है कि जो आपकी ईएमआई मान के चलिए चल रही थी 1,000 रुपए की, वो ईएमआई का पैसा आप बढ़वा सकते हो, जैसे कि 1,050 रुपए या 1,100 रुपए, ऐसे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। यानी दो ऑप्शन दिए, यानी या तो आप ईएमआई का टाइम बढ़वा लीजिए या फिर जो ईएमआई की अमाउंट बढ़वा लीजिए। लेकिन अभी इधर भी बहुत सारे कस्टमरों के ऑप्शन आएंगे या उनके क्वेश्चन आएंगे कि इनमें सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा, तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन मैं पहले इधर ही बता देता हूं, अगर आप ईएमआई का टाइम बढ़वाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। लगभग 2 ईएमआई के करीब आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जाएंगे। लेकिन अगर आप ईएमआई की अमाउंट को बढ़वाते हैं तो लगभग आधा इंटरेस्ट इसमें आपका कम हो जाएगा एज कंपेयर टू जो आप ईएमआई का टाइम बढ़वाते हैं। अगर बैंक आपको ऑप्शन देता तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ईएमआई की अमाउंट को बढ़वा लीजिएगा, ना कि ईएमआई का जो टाइम है उसको, इसी में आपका फायदा होगा। और जो सिविल स्कोर है मोराटोरियम टाइम के दौरान भी, इसमें आरबीआई ने डिक्लेयर क्लियर किया था कि मोराटोरियम के टाइम के समय सिविल स्कोर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। तो ये दोस्तों बैंकों ने ऑप्शन दे रखे थे जो बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि लोन का क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा मोराटोरियम के बाद, इसका ये इंपैक्ट आपके लोन ईएमआई को पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।